गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की क्लास जो हमारी है वो उसकी पार्ट टू, चैप्टर टू की जो क्लास है हमारी पार्ट टू उसको पढ़ेंगे हम। बिलियन का पहला पार्ट आपको बता दिया गया था, उसमें से कुछ बिलियन के प्रकार बताए गए थे और बिलियन की डिफिनीशन आपको बताई गई थी। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे विसरण, परासरण, ठीक है, और मोललता, मोललता, परासरण दाब, ये सब चीज़ें आज हमें इस क्लास में पढ़नी है। तो चलिए, क्लास बड़ी है और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी इसमें है, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी बड़ी है इसलिए हम क्या करेंगे कि इन सबको करने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पे, चलिए क्लास पे आ जाते हैं। देखिए विसरण क्या होता है, विसरण पदार्थ पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं जब तक कि सभी सांद्रता समान ना हो जाए। तो विसरण की डिफिनीशन क्या होती है कि पदार्थ की जो अणु होती है अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गमन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक हमारी यहाँ पे वो है, ठीक है, बाल्टी है, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, उदाहरण में इसके दिया हुआ है, हमने यहाँ से स्याही की जो बूंद है यहाँ पे डाल दी है। ये स्याही की बूंद हम जितनी भी बूंदे जाएंगे वो पूरे इसमें मिक्स हो जाएगी, ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ स्याही ही इसमें नहीं, स्याही ही जल की तरफ नहीं जाएगी, मतलब जल भी स्याही में मिक्स होगा और स्याही भी जल में मिक्स होगी, मतलब जो इसमें विसरण में होते हैं दोनों पदार्थ एक दूसरे की ओर गति करते हैं, ठीक है, दोनों जो होते हैं विलायक और विलेय, ठीक है। विलायक हमारा जल होता है, आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, विलायक कोई भी पदार्थ होता है, तो विलायक और विलेय दोनों ही एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, दोनों ही वो एक दूसरे की ओर गति करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम विसरण। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, विसरण, जहाँ पे दो जो विलायक और विलेय हों दोनों आपस में एक दूसरे की ओर गति करें, तो ऐसी कंडीशन में ये विसरण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, परासरण की परिभाषा पढ़ देते हैं। परासरण क्या होता है, तो परासरण अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे झिल्ली कर दीजिए, छिल्ली लिख गया, झाझन्ना बना लीजिए। तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। देखिए एक चीज देखिए, अभी हमने विसरण पढ़ा था, लेकिन परासरण में क्या कंडीशन होती है, परासरण में आपको एक बाल्टी बना दी जाएगी, ठीक है, ये इसमें जल भरा होगा और यहाँ पे एक झिल्ली लगा दी जाएगी, अर्धपारगम झिल्ली, जैसे छन्नी होती है मान लीजिए, ठीक है, उसी तरह से ये झिल्ली लगा दीजिए। अब परासरण में क्या होता है, अगर ऊपर से अणु आएंगे तो केवल नीचे की ओर जाएंगे, मतलब परासरण में एक कंडीशन होती है कि अणु जो होते हैं केवल एक ही दिशा की ओर गमन करते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही, अगर ऊपर से आ रहे हैं तो नीचे की ओर ही जाएंगे, अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर की ओर ही जाएंगे, मतलब परासरण में एक कंडीशन होती है कि इसमें अर्धपारगम झिल्ली तो आवश्यक रूप से लगी होती है और जो अणु होते हैं वो केवल एक ही दिशा में गमन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण, ठीक है। तो देख लीजिए इसकी डिफिनीशन में तो इस प्रकार से दिया गया है कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जल के अणुओं को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली परासरण और विसरण की डिफिनेशन। अब इसी के हम अंतर को समझ लेते हैं कि परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो दो जो आपको इसमें ऊपर परिभाषा में बताई गई है वही उनके अंतर में दर्शा देना है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, परासरण विसरण का आपको चित्र भी नीचे बना दिया गया है, ये देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, ये है किसका चित्र, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो विसरण होता है विसरण में दोनों अणु आपस में एक दूसरे की ओर, जैसे विलायक विलेय की ओर और विलेय विलायक की ओर, मतलब दोनों आपस में मिक्स होते हैं, तो ऐसी कंडीशन विसरण कहलाती है। तो ये तो विसरण का चित्र हो गया। परासरण देख लीजिए, परासरण को, परासरण में देखिए एक ही अणु, एक ही कंडीशन, अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है तो अणु होगा वो केवल नीचे की ओर आ सकता है या तो ऊपर की ओर जा सकता है। देखिए अणु इसमें कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब परासरण में अर्धपारगम ये झिल्ली लगी हुई है तो
अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक होता है, उसमें अणु केवल एक ही ओर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये जो चित्र है वो किसका हो गया, पारासरण का। तो ये दोनों चित्र अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इनके अंतर को पढ़ लेते हैं। तो जो हमने डिफिनीशन अभी तक पढ़ी वही बस इसके अंतर में लिख देना है। चलिए डिफिनीशन के अंतर को भी देख लेते हैं, अंतर में आ जाइए। पहला अंतर क्या है, इसका डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक होता है, जबकि विसरण में किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक होता है, जबकि विसरण में किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ये अभी आपको ऊपर ही बता दिया गया था। दूसरा जो इसका अंतर होगा वो है, परासरण में कणों का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। अभी आपको पढ़ाया गया, ऊपर दिखाया गया चित्र में, कि परासरण में जो कणों का प्रवाह होता है वो केवल एक दिशा में होता है, मतलब केवल विलायक ही कण जो होते हैं वो गति करते हैं, जबकि विसरण में विलायक और विलेय दोनों कण एक दूसरे की ओर जा सकते हैं, एक दूसरे की ओर गति कर सकते हैं, और ये कंडीशन विसरण की होती है। तो ये दोनों में अंतर हो गया, दो अंतर इस तरह से हमने पढ़ लिया। तीसरा अंतर उसकी डिफिनीशन का ही अंतर है, जो आपको डिफिनीशन लिख देनी है। परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि विसरण में कणों का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। तो ये हमने अंतर के बारे में इसका अध्ययन कर लिया। अब हम परासरण दाब को पढ़ लेते हैं। परासरण दाब क्या होता है, देखिए मान लीजिए परासरण दाब क्या होता है। तो देखिए एक यू आकार की हमने कांच की नली ले ली, यहाँ पे नाली लिख गया, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके मध्य में एक अर्धपारगम झिल्ली ले ली है, ठीक है, और उसे व्यवस्थित करके हमने क्या किया, उसमें एक तरफ जल और दूसरी तरफ विलयन भर देते हैं। जल तथा विलयन की सतह पर जल रोधी एक पिस्टन लगा देते हैं और परासरण की क्रिया द्वारा जल के अणु शुद्ध रूप से विलयन की ओर प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसका जो चित्र होगा अभी आपको नीचे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो जिससे विलयन की सतह पर लगा पिस्टन ऊपर की ओर सरकने लगता है और इस पिस्टन के पुनः अपनी उसी अवस्था में लाने के लिए विलयन की सतह पर जो दाब हमें लगाना, जो बल लगाना होता है, जो दाब लगाता है हम लोग उसे ठोक पकड़ते हैं, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, परासरण दाब। अब इसके व्यंजक के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल हमें इसी से लगाने हैं। तो देखिए परासरण दाब का ये व्यंजक है, ठीक है। सूत्र होता है PV बराबर NRT, या इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं, तो एक इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, V नीचे चला जाएगा, तो ये इस तरह से भी इसको लिखते हैं, और इसी को ही लिख सकते हैं P बराबर CRT, मतलब N अपॉन V को हम C बोलते हैं, ठीक है। N अपॉन V को हम क्या बोलते हैं, C, तो इसको C भी लिख सकते हैं, या इसी को भी और पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। V का मान V को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, N को भी, तो W अपॉन M में भी डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है N के मोलों की संख्या है और इसका मान क्या होता है, W/M, तो N की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, W/M भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो N का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, W/M, ठीक है। अब जैसे अभी यहाँ पे दो कण, अगर सवाल में जैसे आता है दो कण आपको दिए होते हैं, तो एक को हम कैपिटल W मान लेते हैं, एक को स्मॉल W मान लेते हैं, या एक को W1 मान लें, एक को W2 मान लें, अगर दो पदार्थ दिए हैं, ठीक है। तो वैसे N बराबर क्या होता है, तो सबको पता है N मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी, भार बटे अणुभार, ठीक है। तो भार हमारा W, अणुभार हमारा m, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी क्या है, तो पी हमें पता है प्रेशर है, परासरण दाब है, प्रेशर गेज, ठीक है, दाब को गेज बोलते हैं, परासरण प्रेशर, परासरण दाब, तो प्रेशर गेज। वी क्या है, विलयन का आयतन है, आर जो हमारा गैस स्थिरांक है, टी परम ताप है, और एम विलय के मोलों की संख्या, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W/M, सबको पता है ये सूत्र, भार बटे अणु भार, ठीक है। W यहाँ पे क्या है, तो विलय की मात्रा है, और एम यहाँ पे क्या है, तो विलय का अणुभार है। तो ये तो था व्यंजक परासरण दाब का, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं इसलिए आपको ये व्यंजक यहाँ पे करवाया गया है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है, ये पेपर में आती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, परासरण दाब मापने की वर्कले हार्टले विधि, ठीक है। वर्कले होता है, वर्कले इसमें लिख गया है, ठीक है, वर्कले हार्टले विधि। तो देखिए परासरण दाब मापने की वर्कले हार्टले विधि में
कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है यहाँ पे कॉपर लिख गया है, ठीक है कॉपर होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली झिल्ली जमा दी जाती है जो अर्ध पारगम, ठीक है अर्ध, यहाँ पे इसको इस तरह लग दीजिएगा, इसको नीचे वाले काट लीजिएगा, अर्ध पारगम झिल्ली का कार्य करती है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक कॉपर फेरोसाइनाइड की एक पतली झिल्ली को जमा देते हैं जो काम किसका करती है, अर्ध पारगम झिल्ली का काम करती है। ठीक है तो चलिए इसमें ये निम्न क्रिया होती है, ये है हमारा कॉपर सल्फेट और ये है हमारा कॉपर जिसको हम बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है ये हमारी है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जब इन दोनों की क्रिया होती है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की जब आपस में क्रिया होती है तो ये बना लेता है कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है Cu2Fe(CN6) इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड, और क्या बना लेता है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो उसी की यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली जमा की दी जाती है जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। तो चलिए अब इसका फिगर देख लेते हैं फिर इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो देख लीजिए ये विधि है हमारी परासरण दाब मापने की, जो होता है बर्कले हार्टले विधि, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या होती है, एक विलयन यहाँ पे भर दिया जाए कि पात्र होता है जो स्टील का पात्र होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक खोखला बेलन लगा देते हैं बीचों बीच, ठीक है ये जो है हमारा खोखला बेलन है। अब यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली लगा दी गई है, यहाँ बीच में विलायक भर दिया गया है और यहाँ पे विलयन और यहाँ पे विलयन, ठीक है। ऊपर एक गेज लगा दिया जाए जिसकी बात अभी कहा करते हैं, तो दाब मापक, ठीक है यहाँ पे लगा दिया गया है। अब यहाँ पे ये केश नली है और ये जो हमारी थिसल कीप है, ठीक है जिसे केश नली बोलते हैं, थिसल कीप है, इधर भी लगा दी गई, इधर भी लगा दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा चित्र है और ये हमारा जो पिस्टन है जिसे हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग बोल रहे थे परासरण दाब को, एक दाब लगाते हैं, एक गेज लगाते हैं, ठीक है तो वही ये पिस्टन है जो जिसकी सहायता से हम इसमें दाब लगाते हैं, परासरण जिसे हम दाब कहते हैं, तो ये पिस्टन ही हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके डिफिनीशन, मतलब इसी की जो पूरी है थ्योरी, इसी की चित्र की थ्योरी, वो हम नीचे पढ़ लेते हैं। देखिए इस पात्र में सबसे पहले तो शुद्र जल भरा होता है जिसका परसरण दाब ज्ञात करना होता है हमें, और इसमें एक पिस्टन और दाब मापने का यंत्र भी लगा होता है। देखिए जो भी अभी अभी हमने चित्र में पढ़ा कि हमने क्या क्या किया है वही आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो और साथ में केशिका नली जुड़ी रहती है, अर्धपारगम झिल्ली के दोनों तरफ विलयन भरा होता है और मध्य में जल भरा होता है जिसका परसरण दाब ज्ञात करना है। प्रयोग करते समय केशिका नली में जल का स्तर ज्ञात कर लेते हैं और पिस्टन द्वारा धीरे धीरे विलयन पर दाब आरोपित किया जाता है जिससे विलयन का जल परासरण के कारण जल में आने लगता है, ठीक है। जिससे विलयन का जल जो होता है, विलयन का जो जल होता है वो परासरण के कारण क्या होता है, जल में आने लगता है, ठीक है। जिससे जल का स्तर बढ़ जाता है और बढ़े हुए जल के स्तर को केशिका नली, ठीक है यहाँ पे किसका लिख गया, ठीक है केशिका नली में ज्ञात कर लिया जाता है जिसे ही परासरण का हम लोग क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा परासरण की जो बर्कले हार्टले विधि है इस तरह से ये प्रयोग कर ली जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आगे इसी का सवाल है जो आपको अभी ऊपर पढ़ाया गया था उसी का ही सवाल दिया गया है आपको, तो देख लीजिए सवाल को ही पढ़ लीजिए, सवाल को पहले पढ़ लीजिए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 0 सेंटीग्रेड ताप पर, 0 से हम लोग 85 ग्राम, ठीक है वेट है, डब्लू का मान है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है ग्लूकोश को, ठीक है तो टेम्परेचर कितना दिया है 0 सेंटीग्रेड, 250 मिली जल में, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तो ये आयतन है, जब भी अगर आयतन हमारा मिली में है, ठीक है तो V का मान है ये, जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, इसका परसरण दाब P की वैल्यू से पूछी है और R की वैल्यू समय दी रहती है, अगर नहीं दी होती तो निकालनी होती है, ठीक है। तो एक चीज़ हमने भी पढ़ा कि पर ये एक चीज़ आपको नहीं बताई हमने ऊपर, यहाँ पे देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने उसमें, कि परसरण दाब को हम पाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पाई से, ठीक है पाई से भी डिनोट करते हैं। वैसे तो हम इसको पी बोलते हैं, परसरण दाब को क्या बोलते हैं, पी,
लेकिन अभी ऊपर आपको एक चीज नहीं बताई कि इसको पाई भी डिनोट कर सकते हैं, परस्परांक दाब को जो है वो हम पाई भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वही किया गया है यहाँ पे, पाई मान लीजिए पी की जगह में, और आपकी जो मर्जी, आप पी मानना चाहो पी मानो, पाई मानो कुछ भी मानो, ठीक है। तो सूत्र वही हमने जो पढ़ा था ऊपर, क्या पढ़ा था सूत्र, हमें पढ़ा था कि पी बराबर सी आर टी। अब देखिए सी आर टी, लेकिन अब ये 1000 कहाँ से आ गया, यहाँ पे सी आर टी केवल है ना, ठीक है। तो सी बराबर हमने पढ़ा था तो एन अपॉन वी, ये भी पढ़ा था, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पी बराबर, ठीक है। अब देखिए हमने कहा पी को हम पाई भी लिख सकते हैं, मतलब परस्परांक दाब को पाई से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। अब एन बराबर मोलों की संख्या होती है, तो इसका अभी सूत्र हमने ऊपर पढ़ा था कि डब्ल्यू एन बराबर जो होता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन एन, होता है सबको पता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि पी बराबर डब्ल्यू अपॉन एन इंटू वी आर टी, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए डब्ल्यू गुणते में 1000 क्यों लिखा है, तो 1000 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये मिली में है, ठीक है, और मिली में आयतन बदलने के लिए हम उसमें 1000 का भाग देते हैं। आयतन अगर मिली में होता है, एक बात देख लीजिए पिछली क्लास में आपको शायद पीछे पढ़ाया भी गया है कि आयतन जब भी मिली में होता है तो 1000 का भाग दिया जाता है आयतन में, और वी का मान ही तो है 250 मिली, और 250/1000 होगा, ठीक है। तो यही 1000 जो है ये नीचे है भी वी, तो 1000 डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर ही रख दिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया है, ऊपर रख दिया गया है सूत्र में। तो आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, ये पूरा स्टेप करो, सवाल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पूरा स्टेप करोगे तो आप फिर कर सकते हो, फिर इसको हल कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट आपको सूत्र ही, आपको डायरेक्ट ये लगा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र रखा गया है। तो आप समझ गए कैसे सूत्र आया है ये। चलिए अब चलते हैं सवाल पे। सवाल पे हमने बोला कि पी को हम पाई भी रख सकते हैं। देखिए ये सूत्र होता है, अब बी यहाँ पे क्यों लिखा है, डब्ल्यू की जगह बी क्यों लिखा है, ठीक है। तो बी का मान कुछ मतलब नहीं होता, द्रव्यमान के लिए लगा दिया जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बी का आप लिखना चाहो बी यहाँ पे सफिक्स में, या मन हो तो लिखो, ना मन हो तो ना लिखो, ठीक है। तो चलिए सूत्र हमारा इतना है, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू 1000 अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। अब देखिए सबके वैल्यू हमको दिए, पता है कि विलेय या ग्लूकोज का जो द्रव्यमान है वो है इतना, 0.85 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, तो देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H6, इसका पिछली आपको क्लास में बताया कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, भार कैसे निकाला जाता है। तो सी का कितना होता है, 12 × 6 प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है गुणते 6, तो 12×6 = 72, और प्लस इसको कर दीजिए 6×6, तो 12×6 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये तो बेंजीन का सूत्र हमने लिखा है ना, गलत है, ठीक है। बेंजीन ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, शायद गलत लिख दिया है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र, वो बेंजीन का सूत्र होता है, ठीक है। शायद हमें नहीं दिमाग से लिख गया था थोड़े गलती से, ठीक है। तो चलिए ग्लूकोज का ये सूत्र होता है, चलिए अब इसको करके देख लेते हैं। तो सी का होता है 12, ठीक है, गुणते में 6, क्योंकि सफिक्स में जो होता है उसका गुणा करवाया जाता है, इसी तरह से मोलर द्रव्यमान तो निकाला जाता है, आपको पिछली क्लास में बताया भी गया है। फिर 1×12 प्लस में जो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता कितना है, 8, ठीक, 8 ही होता है, लेकिन यहाँ पे भार लिखा जाता है तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है। भार गुणते क्या लिखा है, 6, ठीक है। अब चलिए इसका कर लेते हैं, तो 12×72 प्लस 12 प्लस 16×6 कितना होता है, 16×6 होता है 96, जोड़ दीजिए 6 × 2 = 8 × 8 = 10 के लिए 0 हाँ लगा है, 1 × 9 = 10 = 11 × 11 = 7 = 180। तो हमारा जो इसका जो द्रव्यमान आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान, एम की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 180। तो इस प्रकार से जो ग्लूकोज का है वो निकाला गया, ठीक है, वही यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख के दिखा दिया गया, ये देखिए, ठीक है।
अब देखिए जल का जो आयतन होता है, तो जल का आयतन कितना है, 250 मिली दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 1000 नहीं होता तो हम इसमें बटे में 1 मिली हटाने के लिए हम क्या करते, लीटर में लाने के लिए 1000 का भाग देते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र में लिख दिया गया 1000, तो यहाँ पे भाग करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए आर की वैल्यू कितनी है, इतनी लिखी हुई है। अब देखिए ताप जो हमारा था हमें पता था 0 सेंटीग्रेड था, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। तो ताप में जब भी ताप को हम इस तरह से सेंटीग्रेड में नहीं रखते हैं, उसको केल्विन में रखते हैं, तो 273 ऐड कर देते हैं। 273 जब ऐड कर देते हैं, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। ठीक है, अब सबकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है सूत्र में, तो यहाँ पे लिख भी दीजिएगा सूत्र में मान रखने पर। ठीक है, सूत्र में मान को रख देते हैं, तो पाई बराबर यहाँ पे लिख दिया 0.45 बटे 180 गुणते 1000 बटे 250 गुणते में 0.08। अब इसी को सबको हल कर देना है, 1 0 से 1 0 के 25 चौको 100। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 और है अभी हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से अब इसे हल करना है। ठीक है, हल करेंगे, अगर हम यहाँ पूरा हल करके आपको दिखाते हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्लास बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप सभी को ये हल करना है। ठीक है, कठिन इसी तरह से कर लेनी है, दशमलव हटा देना है, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप कर सकते हो, काट सकते हो 45 को, 45 × 90, 45 × 100, फिर 4 से ये 4 कैंसिल, इस तरह से आप सरल कर सकते हो, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.224 वायुमंडल, क्योंकि दाब को वायुमंडल से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक होता है वायुमंडल। ठीक है, तो चलिए एटीएम भी लिख सकते हैं, ये है हमारा सवाल। तो आपको सवाल बता दिया गया है, अब गुणा भाग आपको करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गुणा भाग करवाते हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्लास थोड़ा आज बड़ी भी है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो विलयन की सांद्रताएं द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोलरता, ये सब पढ़नी है। ठीक है, चलिए द्रव्यमान प्रतिशत को ही सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, पहला टॉपिक है इसका। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत की सबसे पहले परिभाषा, डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसका सूत्र का अध्ययन कर लेते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, 100 ग्राम विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो डिफिनेशन एकदम सरल है, क्या बोला गया है, 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, कितने ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में किसी विलेय की। ठीक है, किसी भी जो 100 ग्राम हम विलयन ले लेंगे उसमें कोई भी विलेय डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, तो किसी विलेय की घुली हुई मात्रा में, मात्रा को जो हम घुली हुई जो मात्रा होती है ग्राम में होती है, वो ग्राम में घुली हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब इसकी सूत्र भी देख लीजिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणते 100, ये हमारा सूत्र है। चलिए द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा हमने पढ़ ली, अब आगे पढ़ लेते हैं आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत की भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए आयतन प्रतिशत क्या होता है, 100 मिलीलीटर, ठीक है, मिली भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। वहां पर ग्राम में था और यहाँ पे मिलीलीटर में है। ठीक है, तो मात्रक क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत बोलते हैं। अब इसका सूत्र भी पढ़ लेते हैं, तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणते 100। ठीक है, ये हमारा इसका सूत्र है, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणते 100, तो ये आयतन प्रतिशत का सूत्र हो गया। ठीक है, अब अगले डिफिनेशन पे, ये सारी शायद आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ा दी गई है, मोललता भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दी गई है, हमने कहा भी था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आती है। ठीक है, मोलरता क्या होती है, तो मोलरता की परिभाषा शायद आपको याद भी है, सभी को याद होगी, 1 लीटर विलयन में किसी विलेय की मोलों की संख्या। ठीक है, 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसे हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी भी बोलते हैं। तो मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, कोष्ठ में क्या लिखा है, लीटर में। ठीक है, लीटर में होने चाहिए, अगर यहाँ आयतन मिलीलीटर में है तो लीटर को में बदलने के लिए हम 1000 का भाग देते हैं, ये सभी को पता है, पिछली क्लास में आप लोग पढ़ भी चुके हो, अभी भी बताया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ये तो इसका जो होता है, ये होता है पूरा इसका जो होता है, ठीक है, जो इसका सूत्र होता है। ठीक है,
अब देखिए मोलों की संख्या, अगर पदार्थ का मोल निकालना है तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी विलेय के पदार्थ का मोल निकालना होता है तो एक सूत्र होता है विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार, ये भी तो होता है, पढ़ाया गया है आपको, तो यहीं पे वो बता दिया गया है कि विलेय पदार्थ के मोल बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार। ठीक है, अब चलिए देखिए ये तो भार हो गया, तो हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमें सूत्र पढ़ा है मोलों की संख्या, और मोल बराबर इतना होता है विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार। तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें सूत्र को तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार गुणते विलयन का आयतन। ठीक है, इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र भी आप डायरेक्ट भी इस सूत्र को लगा सकते हो। चलिए आगे, मोलरता तो हमने पढ़ ली, अब मोललता भी पढ़ लेते हैं, मोलरता का मात्रक पढ़ लेते हैं पहले। तो मोलरता की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, मोलरता को पढ़ लेते हैं। मोललता क्या होती है, मोललता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोललता को बोलते हैं 1 किलोग्राम विलायक में, वहां पे 1 लीटर था, यहाँ पे 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से व्यक्त, उसे कैपिटल एम से व्यक्त करते थे, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। तो मोललता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। ठीक है, और हमें पता है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, तो मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे अणु भार। मतलब अगर इसे हम सूत्र डायरेक्ट इसका सूत्र इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार और गुणते में विलायक का भार। लेकिन विलायक का भार होना कैसे चाहिए, किलोग्राम में, अगर किलोग्राम में नहीं होता है यहाँ पे भार विलायक का, तो यहाँ पर भी 1000 से भाग दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए मोललता की इकाई पढ़ लेते हैं, तो मोललता की जो इकाई होती है वो होती है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब चलिए नॉर्मलता एक टॉपिक है उसको ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नॉर्मलता की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। नॉर्मलता की डिफिनेशन क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलय, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। नॉर्मलता बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो ये डिफिनीशन थी नॉर्मलता की, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको पढ़ा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन हमारी मोल प्रभाज, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, इसी को हम बोलते हैं मोल अंश। ठीक है, मोल अंश भी तो इसी को बोलते हैं ना, इसके कई नाम हैं। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है, विलयन में, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, ठीक है, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक के मोल अंश कहते हैं। माना एक विलयन में 2 घटक ए तथा बी उपस्थित हैं, इसके मोलों की संख्या क्रमशः एन ए एन बी तथा मोल अंश क्रमशः एक्स ए और एक्स बी होगी। देखिए अगर इसमें सवाल आता है तो इसमें विलायक होता है और विलेय होता है, तो यहाँ पे मोलों की संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एन 2 मोलों की संख्या होगी, तो एक कोई एन वन या एन बी, मतलब कुछ आप मान सकते हो, एन वन एन टू भी मान सकते हो, स्मॉल एन कैपिटल एम भी मान सकते हो, यहाँ पे इस प्रकार से बता दिया गया तो बता दिया, यानी एन बी तथा मूल अंश कितने हो जाएंगे, एक्स ए और एक्स बी भी मान सकते हो। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, तो देख लीजिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है हमारा, यदि किसी बाइनरी संख्या मिश्रण में ए और बी के मोल क्रमशः एन ए और एन बी है, एक मिनट देखिए, एन ए एन बी आपको बताए गए, 2 घटक ए और बी बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैपिटल लिख दीजिएगा, यहाँ पे स्मॉल लिख गया है, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दीजिए कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे उसको उदाहरण पढ़ेंगे, तो यदि किसी बाइनरी मिश्रण में ए तथा बी के मोल क्रमशः कैपिटल एन ए और भिन्न बी हो, तो इस तरह से इसका मोल का सूत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स ए बराबर एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अगर यहीं पे एक्स भी आपसे पूछेगा तो एक्स ही बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स भी बराबर हो जाएगा एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको हिंदी में भी अभी बता देते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको ये बताया गया था, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, हम बता भी देते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, चलिए देखिए। एक यहाँ पे होता है विलेय, ठीक है, हिंदी में भी इसका सूत्र मानो लिख लीजिएगा, और एक होता है विलायक। ठीक है, दोनों मोल प्रभाज में शामिल होते हैं, और इसकी जो डिफिनीशन होती है मोल प्रभाज का जो सूत्र होता है, तो हम उसको इस प्रकार से भी अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से कि अगर हम पूछे अगर आपसे पूछेगा विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है, तो लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या नीचे, ठीक है, नीचे विलेय और विलेय दोनों का योग कर दिया जाता है, तो विलेय के मोलों की संख्या प्लस क्या हो जाएगा विलायक के, ठीक है, मोलों की संख्या। शायद यहाँ साफ नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो साफ साफ लिख लीजिएगा, अगर यहाँ पे विलेय का लिखते नहीं बनता है थोड़ा सा, चलिए देख लेते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए इस तरह से अब लिखते बन जाएगा थोड़ा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम पूछेंगे, अगर हमसे पूछता है विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, तो मोल प्रभाज बराबर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के, ठीक है, मोलों की, उसको नहीं लिखा मोलों की संख्या, आप लोग लिख सकते हो, विलायक है यहाँ पे, विलायक के मोलों की संख्या, मतलब ऊपर अगर आपसे विलेय का मोल प्रभाज पूछेगा तो ऊपर लिख देना है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के, नीचे दोनों ऐड होंगे। ठीक है, अगर यहीं से आपसे पूछता है कि विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, हमने पहले विलायक, अब विलायक का विलेय का देखा था, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज आपसे पूछेगा तो हम ऊपर लिख देंगे विलायक के मोलों की संख्या बटे में, तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड करना है, नीचे वही स्टेप रहता है विलायक के मोलों की संख्या और प्लस, ठीक है, मोलों की संख्या है यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, तो आप लोग देखिए नीचे दोनों को ऐड किया जाता है, ऊपर एक को लिखा जाता है जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हिंदी में आप लिखना चाहोगे तो इस तरह से आपकी फर्स्ट ईयर वाली कॉपी में लिखा भी होगा, ठीक है, और अगर इस तरह से लिखना चाहो तो एक स्टेप ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ एक्स भी होगा तो एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इस तरह से ये दोनों सूत्र आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से अब कुछ जो आपको डिफिनेशन ऊपर पढ़ाई गई है उन्हीं के कुछ सवाल नीचे करवा दिए गए हैं, न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है उसे पढ़ लेते हैं। पहला सवाल हमारा द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत सूत्र सवाल क्या कह रहा है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राकोलाइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राकोलाइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। बेंजीन और कार्बन टेट्राकोलाइड दोनों की द्रव्यमान की गणना करनी है। देखिए बेंजीन का सूत्र होता है हमें पता है C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है CCl3, यही होता है ना CCl2। चलिए आगे, टेट्रा लगाया ना तो तीन ही होंगे, ठीक है,
ये देखिए CCl3 जो होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है, ये बेंजीन का सूत्र होता है, ठीक है। इन दोनों के हमको क्या निकालने पड़ेंगे, m का मान इसमें निकालना पड़ेगा। चलिए वो तो आगे निकालेंगे, पहले सूत्र पढ़ लेते हैं, सवाल को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर विलयन का द्रव्यमान टोटल हम निकालेंगे तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। जब दोनों का द्रव्यमान ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 22 ग्राम बेंजीन का द्रव्यमान है और 122 ग्राम है हमारा कार्बन का द्रव्यमान। दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 144 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल में हमको क्या करना है, C6M की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, M यहाँ पे रखना ही नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो पहले हम विलयन का द्रव्यमान, टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना है, तो टोटल विलयन का दाम इन दोनों को ऐड कर लिया तो टोटल हमारा जो विलयन का द्रव्यमान आया वो 144 ग्राम आ गया, ठीक है। अब हम सूत्र पे चलते हैं, तो सूत्र दोनों का ही निकालना है हमको। तो पहले बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो सूत्र आपने ऊपर पढ़ा था, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, तो यहाँ पे लिख दिया बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणते 100। तो बेंजीन का द्रव्यमान 22 है और यहाँ पे अभी हमने विलयन का द्रव्यमान निकाला है 144 गुणते 100, हल कर लेंगे, ठीक है, काट देंगे इसको। तो काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम 2 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से ऊपर काटेंगे 11 आ जाएगा और नीचे काटेंगे तो आ जाएगा 7 और 2 72 आ जाएगा, ठीक है। अब 11/72 गुणते में 100, ठीक है, इसको काट लीजिएगा। अगर यहाँ पे 12 चौक 72 होता है, 4 से काटेंगे तो यहाँ तो 25 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है, मतलब आ जाएगा हमारे पास 11 गुणते 25 बटे 12। अब 25 का 11 हम गुणा करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 25 5 7, 275, 275 बटे 12। 275 में 12 का आपको भाग देना है, भाग देंगे, 12 दूनी 24, अच्छा एक मिनट, और गुणते में 100 भी है ना, देख लीजिए यहाँ पे फिर से इसको कटिंग कीजिए। कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से ऊपर काटोगे तो 11 आ जाएगा, नीचे काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। ऐसे कटिंग करने में देर हो जाती है, आप लोग इसको घर में भी हल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन चलिए छोटा है कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े वाले में ज़्यादा देर हो जाएगी। 144 ग्राम अगर यहाँ पे है तो हम काटेंगे 2 से तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, गुणते में कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। हमने पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे 12 छंग 72 होता है ना कि 12 चौको 72, ठीक है, इसीलिए शायद गलत हो गया था। तो चलिए 12 छंग 72 होता है, मतलब 4 से ही कटेगा 72, तो 4 से हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 होता है तो 18 आ जाएगा, ठीक है। 4 से इसको हमने अगर काट दिया तो 25 चौको 100 होता है, 25 आ गया, आ गया। अब देखिए कोई कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, तो 25 का जब गुणा करवाने, 25 और 11 गुणा करवाएंगे 275 आ जाएगा, 275 में 18 का भाग देंगे, 18 1 18 1 आ जाएगा, यहाँ पे बचा कितना हमारा, 17 में 8 गए तो 8 7 15, ठीक है, 17 में 8 गया हमारे पास, बच जाएगा कितना, 9, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5। अब 18 5 90 कर लिया, यहाँ पे 5 बचे। अब करेंगे दशमलव लगा देंगे, जाएगा नहीं 2 3 बार तो 18 दूनी 36, 2 से काम चलाना पड़ेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा लिया, 2 50 आ गया। अब 18 छंग 72 ज़्यादा हो जाएगा, 18 5 90, 18 3 54, यहाँ पे हमारे पास है कितना, 50 है, 18 3 54 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, 18 यहाँ पे तो केवल हमारे पास 50 है, तो देखिए ये जो लगभग में आ जाएगा 18 दूनी 36 हो गए यहाँ पे, ठीक है, 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 15 15.22 हो जाएगा। ये लग भी में अगर एक अंक बढ़ेगा तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, क्योंकि साइड का एक अंक बढ़ता है तो 23 हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से 15.23 आंसर होगा इसका। चलिए आगे, इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड को आपको भी करना है, तो CCCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, अच्छा टेट्रा था, डाई में 2 लगे होते हैं, ट्राई में, अगर ट्राई बोले ऊपर शायद ट्राई हमने पढ़ा है, ठीक है, तो 3 होते हैं, अगर टेट्रा बोल दे, ठीक है, तो टेट्रा में कितने लगे होते हैं, 4 लगे होते हैं। अब सवाल में जरा देख लेते हैं, ट्राई था, टेट्रा ही था,
ठीक है, तो चलिए इसीलिए यहाँ पे चार लगाया गया है, तो CCl4 हो जाएगा इसका। देखो टट्रा है यहाँ पे लिखा है, अगर ट्राई होता तो तीन लगा होता, डाई बोलता तो दो लगा होता। चलिए इसका द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, इसका 122 है, इसका कितना है अभी निकाला था हमने 144, इसको भी हल करेंगे कितना आ जाएगा लगभग में 84.72%, ठीक है इसमें परसेंट लगा दीजिए। चलिए तो ये हमारा सवाल था, आगे सवाल पे चलते हैं जो कि मोलरता से संबंधित है। इसके सवाल आपको पिछले क्लास में हल भी करवा दिए गए हैं। देखिए सवाल पूछ रहा है 4 ग्राम NaOH, ठीक है, जिसे बोलते क्या है हिंदी में, तो कास्टिक सोडा, 1 लीटर विलयन, लीटर में विलयन दिया हुआ है, जली विलयन में घुला हुआ है, तो मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, मोलरता बराबर डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र लगाया गया है, ये ग्राम है मतलब भार कह रहा है, डब्ल्यू का मान है। अब यहाँ पे NaOH Am का मान नहीं देता है तो इसका अणुभार निकाला जाता है, तो आप लोग NaOH का अणुभार निकाल सकते हो, NaOH का अणुभार, ठीक है निकाल लीजिए। अणुभार निकालोगे, Na का कितना होता है सभी को पता है, कितना होता है Na का 23 होता है, प्लस O का कितना होता है 8 होता है, और H का कितना होता है 1, तो 23 8 9, 9 और 3 कितना होता है 12, ठीक है तो 9 3 12 1, तो 32 हो जाएगा लगभग में इसका, शायद एन का 11 23 ही होता है, ठीक है तो ये 22 32 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 32 अणुभार आ गया हमारा। अब देखिए सूत्र यहाँ पे डायरेक्ट वाला लगाया गया है, एक मिनट रुकिए, अणुभार 40 आ रहा है इसका, देखिए फिर से इसका निकाल लेते हैं। NaOH Na का कितना होता है यहाँ पे, तो 23 होता है, ठीक है। O का ऑक्सीजन का, अच्छा हमने 8 रख दिया था, ऑक्सीजन का 8 नहीं होता है, 8 इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16 1 17, 17 23 कितना होता है 40, ठीक है थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, हो जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं रहता, ठीक है 16 होता है, ठीक है तो चलिए 40 आ गया। अब हम इसकी वेट, जो हमारा जो वेट था, तो यहाँ पे देख लीजिए जो डब्ल्यू का मान होगा, स्मॉल डब्ल्यू का मान मान लीजिए या कैपिटल डब्ल्यू मान लीजिए, क्योंकि विलायक हमेशा बड़ा होता है, ठीक है चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू कितना हमारा आ गया, 4 ग्राम आ गया, ये विलेय है। आप देख लीजिए स्मॉल डब्ल्यू को हम डिनोट कर रहे हैं तो विलेय से, ठीक है। स्मॉल एम अभी हमने अणुभार निकाला, कितना निकाला, तो अणुभार हमारा आ गया 40 NaOH का, ठीक है NaOH का अणुभार आपको निकाल के दिखाया, लिख लीजिएगा 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू हमेशा विलायक को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू कितना दिए 1 लीटर, अगर यहाँ पे मिली लीटर होता तो हम 1000 का इसमें भाग देते, लेकिन सीधे सीधे इसमें 1 लीटर दिए, इसलिए 1000 का भाग नहीं देना, तो लिख दिया 1 लीटर। अब बस हम सूत्र में उठा के रख देते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे सूत्र में मान रखने पर। अब देख लीजिए सूत्र क्या है हमारा, तो सूत्र है इस तरह से, मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार, विलेय का आयतन लीटर में। अब देखिए भार इसका कितना था, तो भार था 4 हमने रख दिया, अणुभार कितना निकाला था 40 वो रख दिया, विलयन का आयतन के लीटर में ही था 1 था रख दिया, इसको हल कर देना। हल करेंगे तो ये तो कट गया, तो कितना आ गया 1/10, 1/10 इस तरह से आया, 1/10/1, 1 का भाग करेंगे तो कितना आ गया 1/10, ठीक है तो हमारा जो आया वो 1/10 आ गया। अभी यम लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं m/10, m को क्योंकि मोलरता से डिनोट करते हैं, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, लीटर प्रति, एक मिनट गलत है ये, ठीक है काट दीजिएगा, इसका जो मात्रक होगा वो गलती से शायद लिख गया है मोल प्रति लीटर, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है मोलरता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, तो सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे एक सवाल देख लेते हैं मोलरता से संबंधित, तो मोलरता के भी सवाल देख लेते हैं। देखिए मोलरता का सवाल है 6 ग्राम यूरिया NH2 सूत्र होता है, CuNH2 इसका सूत्र होता है, 500 ग्राम जल में घुला है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ग्राम में दिए है, अभी हमने सूत्र में पढ़ा था कि नीचे काहे में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। अब जब ये नहीं है किलोग्राम, मतलब 500 में हमें किसका भाग देना होगा 1000 का, ठीक है तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया गया है, ठीक है
चलिए अब देख लिए W का मान कितना है 6 ग्राम। अब इसका अणुभार तो निकालेंगे, अणुभार निकाल के देख लेते हैं पहले। चलिए अणुभार निकाल लेते हैं, NH2 का अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार अगर इसका हम निकालेंगे तो N का पता है सभी को कितना होता है, तो 7 × 14 होता है इसका। प्लस अब ये तो सफिक्स में 2 का गुणा करवा देते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस C का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस का फिर से वही 14 × 2 × 1। अब सबका गुणा करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, 16 + 12 + 16 + 16 16 16 32 16 48, और 48 × 12 कितने होते हैं 60। मतलब कि यूरिया का जो यूरिया का जो अणुभार होगा वो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो अणुभार पता चल गया 60 आ गया। अब चलिए हम लिख लेते हैं, तो देखिए स्मॉल W को हमने बताया था, यहाँ पे विलेय का पदार्थ लिखते हैं तो 6 ग्राम आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर यहीं पे M की बात करेंगे, यूरिया का अणुभार की बात करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना निकला था 60। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कैपिटल W की, विलायक के भार की, तो कैपिटल W यहाँ पे 500 ग्राम है लेकिन किलोग्राम में होता है, तो हम यहाँ पे 1000 का भाग कर देते हैं केजी में। ठीक है, इतना हमको दिए है, अब लिख देंगे यहाँ पे सूत्र में मान रखने पर। सूत्र में मान रख दिया गया है, देखिए सूत्र में मान क्या लिखा है, विलेय का भार ग्राम में भार बटे अणुभार गुणते विलायक का भार। ठीक है, तो उसको हमने रख दिया, डायरेक्ट वाला सूत्र लगाया गया है यहाँ पे। तो देखिए एम बराबर 6/60 गुणते 500 बटे 1000। 6 वैल्यू किसकी, स्मॉल W की, ये अणुभार M की वैल्यू, और ये हमारा किलोग्राम में हमारा विलायक का भार। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस तरह से इसको हल कर लेते हैं, 6/60/500/1000। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको इधर से गुणा करवा देते हैं, इसको इधर गुणा करवा देते हैं, तो क्या लिखेंगे 6 × 1000 लिख लेते हैं, 6 × 1000 आ जाएगा हमारा 60 × 500। ठीक है, जब भी सिस्टम होता है तो इसका गुणा इधर से हो जाता है पहले से चौथे का। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया सब, 6 से 6 कैंसिल, बचा कितना हमारे पास 1/5। अब देखिए 1/5 बचा, 1/5 5 का भाग देंगे, 5 × 2 = 10, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं, तो 0.2 लगा दिया, 5 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया 0.2 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है, तो देखिए वही लिख दिया गया यहाँ पे 0.2 m या मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, चलिए अगला एक सवाल अभी मोल प्रभाज का भी रह गया है, और ये हमारा लास्ट सवाल है, क्योंकि जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है आज सवाल भी उसी में एक सबका करवा दिया गया है, तो चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं। ये सवाल भी आपको फर्स्ट ईयर में करवा दिया गया है। 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब देखिए जल का अणुभार, यहाँ पे भी हम सबसे पहले अणुभार हमने कहा था, यहाँ पे एन ए या एन बी भी मान सकते हैं एक को, या एन वन एन टू, क्योंकि दो दो होते हैं, तो एन वन और एन टू भी मान सकते हैं, एम वन और एम टू भी मान सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मान लिया गया है। तो 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जल का अणुभार निकाल लेते हैं। जल का अणुभार क्या होता है, तो जल का अणुभार होता है, हम जानते हैं जल का अणुभार, जल का जो अणुभार होता है, तो जल का अणुभार क्या होता है, तो H2O होता है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके भी दिखा दिया गया है, तो रहने दी, देख लीजिए H का 2 × 1 + 16 कितना आ गया 18। अब यहाँ पे जल के मोलों की संख्या भी निकाल लेते हैं। जल के मोलों की संख्या सूत्र क्या होती है, W, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग निकाली जाएगी, तो WM/WM1। ठीक है, आप न मानना चाहो 1 1 तो ना मानना। ठीक है, यहाँ पे जल के मोलों की संख्या निकाली गई, सूत्र होता है N = W/m, तो यहाँ पे N1 और M2 क्यों रखा गया है, क्योंकि अभी फिर से एथिल अल्कोहल का भी निकालेंगे, तो एथिल अल्कोहल को यहाँ पे 2 मान लिया गया और जल को 1 मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जल के मोलों की संख्या हमने निकाली, इतनी आ गई 36/, क्योंकि यहाँ पे W का भार जो जल का है वो 36 है, 36 रख दिया, इसका अणुभार भी निकाला 36 36 मतलब 18,
18 रख दिया, 18 भाग 36 में दिया कितना आ गया 2 मोल, तो जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई 2 मोल। ठीक है, अब हम इसी तरह से एथिल अल्कोहल का भी अणुभार निकाल लेते हैं। एथिल अल्कोहल का अणुभार निकाला, इसको हमने M2 से डिनोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी निकाला तो C2H5O H इसका सूत्र होता है, तो 2 × 12 5 × 1 प्लस 16 × 1 बराबर 46, 46 इसका अणुभार हो गया। अब यहाँ पे फिर हम एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या भी निकालेंगे, तो एथिल अल्कोहल की जब मोलों की संख्या निकालेंगे तो ये सूत्र हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा हमारा N2 बराबर W2 बटे M2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको M2 माना है, ऊपर वाले को 1 मान लिया था, आपकी मर्जी आप 2 ना मानो। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल की जो मोलों की W वेट था वो 46 ग्राम था, और इसकी जो हमने अभी निकाला है इसका अणुभार वो 46 है, 46 का भाग 46 में देंगे कितना आया 1 मोल। ठीक है, तो दोनों की मोलों की संख्या निकल आई है। अब मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, तो मोल प्रभाज का सूत्र हमने कहा था आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, चाहे Na+NB भी लिखो, या यहीं पे इसको लिख सकते हो An1, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे N1 M2 मान लिया गया बस। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे M1 मान लिया गया, और इसको जल का मोल प्रभाज को X1 मानेंगे, और एथिल कोल के मोल प्रभाज को X2 मान लेंगे। ठीक है, तो X1 बराबर N1 बटे N1 प्लस N2। तो देखिए इसका जो N1 का मान था वो जल के मोल, जल का जो मोलों की संख्या थी वो 2 थी, हमने 2 रख दी, N1 का मान 2 है रख दिया, N2 का मान कितना है 1 रख दिया, 2 का भाग 3 में देंगे मतलब 3 का भाग 2 में देंगे तो आ जाएगा 0.67। ठीक है, अभी यहीं पे चलते हैं, हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो इसको X2 से डिनोट कर दिया, आपको बताया था जिसका भी पूछता है उसको ऊपर रखा जाता है, नीचे दोनों को ऐड किया जाता है। तो N2 बटे N1 प्लस N2, यहाँ पे 1 रख दिया, 2+1 कर दिया, 2+1 कितना होता है 3, तो 1/3, 3 का भाग जब 1 में देंगे तो आ जाएगा 0.33। तो दोनों का मोल प्रभाज निकाल लिया, और मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है यहाँ, इसलिए यहाँ पे मात्रक नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ये हमारे आंसर थे, और आज की क्लास भी हमारी आज इंड हो गई है। ठीक है, काफ़ी आज इसमें मैटर ले लिया गया है, अगली क्लास भी बड़ी ही होगी। ठीक है, क्योंकि जल्दी से कोर्स पूरा करवाना है, और शायद चैप्टर 2 थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, बड़े तो सारे चैप्टर हैं, तो चलिए फिर चैप्टर 2 के अगले टॉपिक को कल पढ़ेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, और याद भी करते रहिएगा क्वेश्चनों को, पूरी थ्योरी तैयार करते रहिए, और सवाल को हल जरूर करिए 1-2-3 बार। ठीक है।